जामिया के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। ये आप जो देख रहे हैं शहर हैदराबाद में एक भी हिंदुस्तान की अजीम व कदीम बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मकबूल व मंजूर दीनी दरसगाह अज़हर हिंद जामिया निज़ामिया है, जिसको शेख उल इस्लाम आरिफ बिल्लाह इमाम मोहम्मद अनवारुल्लाह फारूकी अलैहि रहमतुल इस्लाम ने 1252 हिजरी पर मुताबिक 1876 ईस्वी में महज तवक्कुल की बुनियाद पर कायम फरमाया। जामिया के कदीम दरसगाह रिहायश का मज़ार पुर अदबार की अंदरूनी इमारत और गुंबद शरीफ शेख उल इस्लाम अलैहि रहमतुल इस्लाम के शागिर्द रशीद निज़ाम हैदराबाद आसिफ जाह साहबी नवाब मीर उस्मान अली खान ने तामीर करवाया। जामिया निज़ामिया तालीम व तदरीस के मुनफरिद अंदाज की वजह से आलम इस्लाम में खुसूसी शनाख्त रखता है। जामिया निज़ामिया अपने क़याम के 150 साल तवील सफर में यहाँ से लाखों तशरीकान इल्म की नहमत से बहरयाब होकर दुनिया भर में उलूम कुरान उलूम हदीस फिक्ह इस्लामी सीरत और तसव्वुफ की रोशनी बांट रहे हैं। ये सब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसी तवज्जुहात व इनायात का सदका और बानिया जामिया निज़ामिया की बरकत है कि जामिया दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की के राह पर है। उम्मत मुस्लिमा इस जामिया की 200 से ज्यादा शाखें कायम हो चुकी है और उम्मत मुस्लिमा की दीनी जरूरत को पूरा करने में रोज बशर मसरूफ आम है और इसमें से एक शाख ये मदरसा महाजरुल कुरान भी है। ऊंचा रहे जहां में ये जामिया हमारा।